नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22। आज ये साइंस की वर्कशीट है और इसमें हम लोग अम्ल क्षारक और लवण को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कड़ी में हम लोग आज पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, इस चीज को हम आज जानने और समझने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अम्ल और क्षारक शक्ति हाइड्रोजन आयनों H+ आयनों और OH आयनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक H+ हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब जिन अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो उसको प्रबल अम्ल मतलब मजबूत अम्ल कहते हैं, और कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन कम उत्पन्न करने वाला कोई अम्ल हो तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, और हाइड्रोजन आयन ज्यादा उत्पन्न करने वाला कोई अम्ल हो तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है, एक स्केल है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार है, इसमें हाइड्रोजन आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। अगर कोई विलयन उदासीन है, ना वो अम्लीय है ना क्षारीय है, तो उसका पीएच 7 होता है। और पीएच स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय होता है। अगर 7 से कम इधर की ओर जा रहा है तो अम्लीय होगा, 7 से इधर की ओर ज्यादा जा रहा है तो वह क्षारीय होगा। तो 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। जैसे कि आप यहाँ इस पीएच स्केल को देखिए, यहाँ 7 है और पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। वह अगर 7 से 14 तक बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि दिखाता है। मतलब यह हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि दिखाता है, अर्थात क्षारक की स्थिति में। अगर इधर जाएगा तो यह क्षारक होगा, और 7 से कम होगा तो यह अम्लीय होगा। इसमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी और इधर हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता होगी। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और स्केल में कह रहा है कि अगर किसी का मान 7 है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो वह उदासीन होगा, वह न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यह क्षारीय विलयन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय विलयन होता है। इसका पीएच मान 14 होता है। नींबू का रस, इसका पीएच मान 1 से 2 के बीच रहता है, तो यह अम्लीय है। और जठर रस, इसका पीएच मान 0 से 1 के बीच होता है, तो यह भी अम्लीय है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। अगर उनमें पीएच परिवर्तन बहुत ऊंचा नीचा हो गया तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 पीएच के रेंज में काम करता है। इससे कम या ज्यादा होगा तो मृत्यु निश्चित है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जो होती है और उसका पीएच मान 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्ल हो जाएगा वो। जब यह अम्लीय वर्षा नदियों या झीलों जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है और इससे जलीय जीवों को नुकसान होता है। इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच मान कम होता है तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। पेट में अम्ल बढ़ने लगता है जिससे कि गैस होती है और वह एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे मुंह में अम्ल बनने लगते हैं और उन अम्ल की वजह से हमारे दांत सड़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन के कारण यह बंजर हो जाती है। और अगर मिट्टी में पीएच मान ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा है तो वह बंजर हो जाएगी। अब कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। आपके पास ए और बी दो विलयन है। विलयन ए का पीएच 6 है और विलयन बी का पीएच 8 है। इन दोनों में से किस विलयन की आयन की सांद्रता, किस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे
pH 6, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे pH का मान घटता जाता है वह अम्लीय होती है, और जो जितना ज्यादा अम्लीय होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। तो इसमें विलयन ए होगा pH 6, इसका आंसर pH 6 होगा विलयन। अब कह रहा है कि ऊपर दिए प्रश्न में, दूसरा प्रश्न देखिए, ऊपर दिए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है, तो इसके आंसर में आप लिखिएगा विलयन ए की प्रकृति अम्लीय और विलयन बी की प्रकृति क्षारीय है। क्षारीय है क्योंकि इसका पीएच मान, देखिए इसका पीएच मान 1.6 है तो यह अम्लीय होगा, 7 से कम है ना, देखिए ये 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और ये 7 से ज्यादा है तो यह क्षारीय होगा, बी क्षारीय होगा, ए अम्लीय होगा। अब कह रहा ताजे दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने से इसके pH में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, तो इसका pH क्या होगा, कम होगा, इसका आंसर होगा कम होगा, कम होगा, इसका pH कम होगा। अब एक शुद्ध जल का pH 7 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसका आंसर होगा उदासीन। आप जानते हैं कि जिसका भी pH 7 होता है वह उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो इस तरह से हमने इसके उत्तर कर लिए, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।